इनमें रोजगार इन्होंने चौपट कर दिया। प्रशासन इस पर कोई चिंतन करता नहीं है। आखिर इसका होगा क्या? गांव की बात करने वाले, गाय को पूजा करके तिलक लगा करके आवाज उठाने वाले आज गाय को अपने हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया, अर्थात ये गाय बेहाल। मध्य प्रदेश मामा खुशहाल, क्योंकि उनको निकलने की जरूरत नहीं है, फुर्सत नहीं है। और अंदाज लगाइए, मैं वो सन्यासी हूँ, न कभी डराऊ न कभी डरूंगा, पूरे मध्य प्रदेश में गाय की लड़ाई लड़ूंगा। गौ माता को प्रतिदिन 50 रुपए शिवराज सरकार दे और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, क्योंकि ये होगा तो ही हमारे यहाँ गाय मरेगी। गाय को मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। आप चिंतन करो, गाय को मार कौन रहा है? गाय को मार रहे हैं भाजपा के लोग, हड्डियां बेच रहे हैं, चमड़ा बेच रहे हैं, गाय मर रही है। और इस पर एक सन्यासी बोलता है तो इनके बड़े बड़े नेता पाखंडी कहते हैं। मैं भारत के सन्यासियों को भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, त्यागियों को भी निवेदन करता हूँ, तपस्वियों को निवेदन करता हूँ कि आप गाय की आवाज उठाते हो तो इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगी। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा, हमें ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और कल दोपहर 12 बजे मुरैना हाईवे को जाम करूंगा और कह के सोए हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंकूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुरैना जिले की गौशाला में ही नहीं, मैं मध्य प्रदेश की सभी जिले की गौशालाओं के भ्रमण पर हूं। और उस भ्रमण का मेरा उद्देश्य एक ही है, गौ बचाओ न्याय यात्रा। गौ बचाओ न्याय यात्रा इसके लिए कि आज गाय रोड पर रात में मर रही है, सरकार उसके सींग में रेडियम लगाने का काम करे। एक दूसरा, 6 महीने से किसी गौशाला में बजट नहीं पहुंचा है, उसे देने का काम करे।